अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने लगे हैं चने की दाल कोश। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने मटन लिया है और हड्डी वाला है ये, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम। साथ में एक कप चने की दाल, एक बड़े साइज की प्याज, एक बड़े साइज का टमाटर, तीन अदद हरी मिर्च, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चाय का चम्मच सफेद जीरा पाउडर, डेढ़ खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, एक खाने का चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च, दो अदद बड़ी इलायची और एक पीस दालचीनी का, और नमक जो कि हद की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं कुकर में गोश्त डाल दूँगी, फिर साथ ही मैं प्याज जो एक बड़ी साइज की काट के रखी हुई थी, एक बड़ी साइज का टमाटर और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाले जिसमें धनिया हल्दी लाल मिर्च और ड्राई मसाले वो मैं सब इसमें डाल दूंगी। साथ में मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी जो कि ढाई गिलास है। गिलास मेरे पास ये छोटा है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ढाई गिलास पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और साथ में नमक जो कि हद पे ज़रूरत है वो मैं शामिल करके अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके और कवर कर देंगे हम, और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम कुकर चलाएँगे। बस ध्यान रहे कि गोश्त जो है वो गले नहीं। तो यहाँ पर जो है वो 10 मिनट के लिए मैंने कुकर चलाया है और थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करूंगी और फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगी आधा कप के करीब तेल और साथ में चने की दाल जो कि एक कप के करीब है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से हमें जो है अब वो भूनना होगा जब तक कि पानी ड्राई ना हो जाए और तेल साइडों से नज़र ना आने लगे। और साथ में फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी गरम मसाला और जीरा पाउडर और दोबारा से 2-3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। जब ये भून जाएगा तो फिर मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी जो कि 1.5 गिलास के करीब है और इसको मैं दोबारा से कवर कर दूंगी और हल्की आंच पे मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 12 मिनट के लिए, जब तक कि चने की दाल और गोश्त जो है वो गल ना जाए। तकरीबन मैंने 12 मिनट यहाँ पे जो है वो चने की दाल गोश्त को पकाया है और चने की दाल गोश्त दोनों रेडी हो चुके हैं, गल चुके हैं, साइडों से तेल भी जो है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पे फिर मैंने हरी मिर्ची शामिल कर दी है। अगर आपको ड्राई चाहिए, शोरबे वाला नहीं चाहिए, तो आप इस टाइम पे डिश आउट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो थोड़ा शोरबे वाला चाहिए, तो मैं इसमें तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी शामिल कर दूँगी और बहुत ही हल्की आंच पे मैं इसको आधा कवर करके पकाऊंगी तकरीबन 6-7 मिनट के लिए। तो बस तकरीबन 6-7 मिनट मैंने इसको पकाया है, थोड़ा शोरबे वाला चाहिए था और अब मैं इसको यहाँ पे डिश आउट कर दूंगी। आखिर में जो गार्निशिंग करेंगे वो हम हरे धनिया से करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ हम इस पर डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला पाउडर वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो बस यहाँ पे चने की दाल गोश्त जो है वो तैयार है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। गरम नान के साथ सर्व करें या सादे चावलों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।